दोस्तों, एक और सवाल लेके आया हूँ जो कि कंपटीशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और इससे पहले में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इस सवाल को काफी डिस्कस किया था। तो मैंने, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कि हर एक सवाल का मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेके आता हूँ और नॉर्मल मेथड भी लेके आता हूँ। छात्र कंपटीशन में बैठने वाले हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो लेकिन आपको दोनों मेथड जानना जरूरी है, एक नॉर्मल मेथड, दूसरा शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक तभी आपको याद रहेगा जब तक आपको नॉर्मल मेथड, जब आपको नॉर्मल मेथड बनाना आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं दोनों मेथड। तो सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे राइट 0.47 पर बार है इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। सेम क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी यही क्वेश्चन बनाया था, तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये पहले आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है कि किस पे बार है, तो 7 पे बार है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इजिकल टू 0.47 बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4777 बार का मतलब होता है रिकरिंग, यानी कि यही चीज रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, पहला स्टेप देखिए दोस्तों, पहला स्टेप मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कि इसको, इस डेसिमल को कहाँ लाना है, सबसे पहले यहां पर ले आना है, ठीक है? जहां पर से मतलब कि रिकरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो रिकरिंग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 7, तो 7 के पहले लाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड विथ 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। देखिए तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, तो लिख देते हैं 10x इक्वल टू, इसको अगर हम कर रहे हैं, इसको करें या इसको करें, बोथ आर सेम, तो ये हो जाएगा 0.4777 ×10, जो कि हो जाता है 4.777, ठीक है? तो ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं एक नंबर। फिर क्या कर रहे हैं कि इस डेसिमल, अब तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से हमको लाना है यहाँ पे, ठीक है, वहां पर लाना है, दूसरी बार में वहां पर लाना है जहां पर से रिकरिंग जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो रेकरिंग तो हालांकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक अदद और जो है आगे लेके जाना है हमको, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग अगेन बाय 10, ठीक है? और इसको अभी मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 को, 10 10 को, 10 को मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है? और इसको हमको कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा, जब इसको कर रहे हैं तो 4.777 ×10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 47.777, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 - 1 बड़ा कौन है, ये है, इसमें इसको घटा देंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 - 1, 2 - 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले लिख लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47.777 …., ठीक है? और यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, ये है 4.777 …., ठीक है दोस्तों? यहाँ पर जो मेन बात है, मेन चीज है, वो ये है कि हमको यहाँ पर 777 आ रहा है, यहाँ पर भी 777 आना चाहिए, ताकि क्या होगा कि ये कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, जब आपका जो रेकरिंग है वो हट जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल यानी फ्रैक्शन बन जाएगा, उसी में लाना हमको, ये हो जाएगा 90x, ठीक है? और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0, साथ में 4 गया 3, ठीक है? और ये हो जाएगा 43, तो क्या बन गया, देखिए ये 0 बन गया, तो x बराबर हो जाएगा 43/90, ठीक है दोस्तों? समझ में आ गया बात, क्लियर? क्या करना क्या था हमको, सबसे पहले हमको ये डेसिमल को यहां पर लेके आए, एक अदद यहां पर लेके आए, तो इसके लिए हमको 10 से गुना करना पड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर लेके आए तो 4.77, इसको एक नंबर मान लिए, फिर इसको यहाँ पर लेने के बाद फिर एक स्टेप इधर लेके आए, तो फिर 10 से गुना किया तो 100 हो गया, इसी को 10 से गुना करना तो 100 हो गया, ये हो गया 47 पर।
अब क्या है, 2-1 करेंगे, 2-1 इतना आएगा, ठीक है। तो एक्स मेरा इतना निकल गया। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, अब यहां पर देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी है दोस्तों, कल ही बताया था मैंने कि अगर जो भी नंबर है जैसे कि 0.47 बार है, हमको सिर्फ देखना क्या है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में, देखना है कि किस पे बार है। तो 7 पे बार है, तो 7 पे बार है तो इसमें क्या करेंगे, हम जो नंबर है उसको लिख लेंगे, बार वगैरह सब हटा देंगे, बार हटा देंगे, डेसिमल हट गया, ठीक है। जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। बात को समझ में आई, जितना नंबर है उसको लिख देना है, जितने पे बार नहीं है, बार तो इस पे है, इस पे नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय करेंगे, और जितने पे बार है याद रखिएगा, जितने पे बार उतना 9, तो कितने पे बार, 1 पे बार उतना 9, जितने पे बार नहीं उतना 0। बस भाई कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 43 बाय आंसर। अब देखिए दोनों को मिला लीजिए, बोथ आर सेम। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना इजी है, जितने पे बार है उतना 9 नीचे जाएगा, जितने पे बार नहीं है उतना 0 नीचे जाएगा, और जितने पे बार नहीं है उतना माइनस भी होगा। समझ में आ रही है, यहां मैं लिख देता हूं, बार रहेगा तो 9 नीचे जाएगा, नीचे, देखिए बात को समझिए, बार है तो 9 नीचे जाएगा, 9 बार 0 नीचे, ठीक है, और उसके बाद फिर 9 बार सबट्रैक्ट, बस ये 3 चीज याद रखना है। समझ में आ रही बात, बार है तो 9 नीचे जाएगा, बार नहीं है जिसपे वो 0 उतना नीचे जाएगा, और बार जिसपे नहीं है उतना सबट्रैक्ट हो जाएगा, काम खत्म है दोस्तों। तो यही है दोस्तों ट्रिक, आपको ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इजी मेथड है दोस्तों। आपको जो भी कंपटीशन वाले जो छात्र हैं वो ये वाला मेथड ट्राई करें, लेकिन इसको जरूर जाने, ठीक है, जानना इसको है, और जो है लिखना इससे है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आपको 10 मिनट बैठ करके इसको लिख रहे हैं, उसको वहां पर सिर्फ जवाब चाहिए, वहां पर सिर्फ ऑप्शन आपको टिक मारना है, किसी तरह भी टिक मार सकते हैं आप।